नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता चौधरी ओम साई राम फूड किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर नान और मलाई कोफ्ता, एक बहुत ही आसान तरीके से जो हर कोई बना सकता है और एक घंटे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मलाई कोफ्ता और बटर नान। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नान के लिए, डो बनाने के लिए मैंने ये वाले 2 बाउल मैदे के ले लेती हूँ। दो बाउल मैदे के, उसी बाउल से मैंने आधा बाउल दही का लिया है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच खाने का सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिया चीनी। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करके अब मैं हल्के गर्म पानी से इसका आटा गूंथ लूंगी। आटा गूंथने के बाद मैं इसको ढक करके 1 घंटे के लिए रख दूंगी। ध्यान रखिएगा इसके अंदर दही मिक्स है तो हमारा बहुत ही कम पानी डलेगा। नान का डो बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं इसके अंदर 1 चम्मच तेल लगा करके इसको ढककर रख देती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने थोड़े से काजू लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से भिगो दिया है। ये मेरे पास टमाटर है, थोड़ा सा अदरक है, लहसुन है, एक प्याज है, थोड़ी सी काली मिर्च है और ये मेरे पास थोड़ी सी इलायची। अब मैं इनको 2 चम्मच तेल में फ्राई करने जा रही हूँ। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा धनिया। अब मैं इसके अंदर सारे के सारे मेरे जितने भी प्याज टमाटर और जितने भी मसाले हैं सब एक बार डाल दूंगी। मैं अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला दूंगी। और मिला करके 2 मिनट के लिए ढककर इसको कुक करूंगी। ये देखिए ग्रेवी का मसाला बिल्कुल कुक हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं और ठंडा करने के बाद इसको हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैं सबसे पहले बनाने जा रही हूँ मलाई कोफ्ता की बॉल्स। उसके लिए मुझे चाहिए पनीर। मैंने लगभग 150 ग्राम पनीर लिया है। हमारे पास जितना पनीर होगा उसका डबल मैं उबला हुआ आलू ले लेती हूँ। और ये मेरे पास 4 से 5 चम्मच है कॉर्नफ्लोर की। हम कॉर्नफ्लोर की जगह सिंपल मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हमारे घर में वो भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो हम बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास थोड़े से बादाम है कटे हुए। मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके बनाती हूँ बॉल्स। हमें मिक्सचर अच्छे से हाथ से इस तरीके से मैश करके अच्छे से डो बनाना पड़ेगा। अब मैं हाथ पर तेल लगा करके बॉल्स बना लेती हूँ। आपको जिस भी शेप में अपने कोफ्तों को रखना है
उस शेप में बनाए। ये देखिए मेरे कोफ्ता बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। लगभग 150 ग्राम पनीर, 300 ग्राम आलू से मेरी ये 12 बॉल्स बनके तैयार हो गई हैं। मलाई कोफ्ते की ग्रेवी का मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसका नंबर है पिसने का। उससे पहले मैं जो मैंने काजू भिगो कर रखे थे उनको पीस लेती हूँ। काजू में थोड़ा पानी डाल के मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें आधा बाउल मलाई की डालूंगी और उसको पीसूंगी। आप इस मलाई की जगह कोई भी बाजार की क्रीम ले सकते हैं। अब मैं प्याज टमाटर का मसाला मिक्सी में पीस लेती हूँ। अब मैं इसी कढ़ाई के अंदर जो हमारा मसाला पेस्ट है इसको अच्छे से छान लूंगी। मैंने इस पेस्ट को गैस के ऊपर रख दिया है। हल्का गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर हमारे काजू और क्रीम का पेस्ट मिक्स करूंगी। ये देखिए इसमें एक बॉईल आ चुका है लगभग। अब मुझे इसके अंदर क्रीम और काजू का पेस्ट डालना है, लेकिन पेस्ट डालते डालते मुझे इसे चलाते रहना है। ये देखिए ग्रेवी तैयार हो चुकी है, कितना अच्छा बॉईल आ रहा है इसके ऊपर। मुझे इसे कोई दोबारा फ्राई नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ये एकदम बिल्कुल रेडी है। मैं इसको इतना ही पतला रखने वाली हूँ क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा टाइट हो जाता है। कोफ्ता बॉल्स को फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, जो अब गर्म हो चुका है। मैं सारी कोफ्ता बॉल्स इसके अंदर डीप फ्राई करूंगी। गैस को हमें मीडियम करना होगा। कोफ्ता बॉल्स अच्छे से पक चुकी हैं, अब मैं इन सबको निकाल देती हूँ। ये देखिए नान का डो, इसे लगभग एक घंटा हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा हाथ से मत लेती हूँ। मैंने एक लोई ले ली है और अब मैं इसको बेलना स्टार्ट करती हूँ। एक साइड में थोड़ी सी कलौंजी डाल देती हूँ। इस साइड मुझे थोड़ा पानी लगाना है, पानी को अच्छे से लगाएं, क्योंकि पानी अगर अच्छे से नहीं लगेगा तो ये तवे के ऊपर से निकल जाएगा। ये वाली साइड हमें तवे के ऊपर डालनी है।
गैस फ्लेम मैंने कम किया हुआ है और इसके ऊपर बबल्स आने तक मैं इसको गरम करती हूँ। ये देखिए बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं गैस तेज करके इसके ऊपर इसे सेक लेती हूँ। ये देखिए ये सिक चुका है और जो थोड़ा कोना रह गया है इसको हम गैस के ऊपर सेकेंगे। ये देखिए नान के ऊपर मैं बटर लगा देती हूँ। इस नान को मैं आपको तोड़ के भी दिखाने वाली हूँ कि कितने सॉफ्ट बनाए हैं। ये देखिए हमारी कोफ्ता बॉल्स, ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। हम इसके ऊपर डालने जा रही है हमारी ग्रेवी। ये देखिए मेरे बटर नान और कोफ्ता। मैंने थोड़ा सा पनीर इसके ऊपर डाल दिया है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? ये रेसिपी हम में से कोई भी घर में एकदम से एक घंटे के अंदर अंदर बना सकता है। मलाई कोफ्ता बहुत सॉफ्ट है, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है। मलाई कोफ्ता और नान की रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। धन्यवाद।